नैनपुर में ट्रेनों का संचालन नहीं शुरू होने से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर नगर के रामसेना समाज सेवी संगठन ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसके चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। संगठन के नेतृत्व में नैनपुर थाना परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर रेलवे के खिलाफ नारेबाजी हुई। साथ ही स्टेशन प्रबंधक को रेल मंत्रालय और रेलवे के जनरल मैनेजर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि गोदिया नैनपुर बालाघाट ब्रॉडगेज रूट पर आज तक ट्रेनों का संचालन शुरू ही नहीं किया गया। हालांकि दो एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रवासियों को ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा। विशेषकर ये जनहित में नैनपुर नगर के समस्त व्यापारियों समस्त नागरिकों की ये मांग है और आज से बहुत समय पहले से ये मांग उठाई जा रही है कि नैनपुर से यात्री लोकल पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ की जाए। पर इस चीज़ को लेके आज तक मतलब अभी तक तो काफ़ी मतलब ज्ञापन दिए गए रेलवे को, पर अभी तक के रेलवे द्वारा ऐसी कोई भी मतलब लीगल या फिर कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया कि किस कारणवश यह रेल सेवा नहीं चलाई जा रही है या फिर कब तक इस चीज़ का मतलब रेल सेवा प्रारंभ की जाएगी। तो इस चीज़ को लेके आज रामसेना समाज सेवी द्वारा नगर बंद कराया गया एवं यह मतलब पैदल मार्च निकालकर माननीय स्टेशन प्रबंधक जी को यह ज्ञापन दिया। आज दिनांक 31/8/2021 को राम सेना द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की गई है कि यहाँ से जो भी यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाए और क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनको फायदा हो सके। साथ में इनका ज्ञापन इन लोगों के द्वारा सौंपा गया। इस ज्ञापन को ऊपर हमारे अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। उन लोगों से जो भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होगी, आगामी जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार उन आदेशों का अनुपालन किया जाएगा और ट्रेन संचालन किया जाएगा।